अभिनेता अरुण कुमार और गायिका एवं अभिनेत्री निर्मला देवी के छठवीं संतान के रूप में गोविंदा आहूजा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ है। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनको दो संतानें हुई, एक बेटी टीना आहूजा और एक पुत्र यशवर्धन आहूजा है। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा जी ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत में और 90 दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा जी ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया हुआ है। 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसी के मद्देनजर इनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था। वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्मी जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। वर्ष 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार निभाया था। गोविंदा जी को 12 फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त उनको 4 बार जी सीने पुरस्कार से भी नवाजा गया है। गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया ही है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया हुआ है। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2004 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वे विजयी भी हुए थे।